उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन के आदेश के बाद फिरोजाबाद जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ के निर्देश पर फिरोजाबाद जिले के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं अग्रिम आदेशों तक बंद कर दी गई हैं। वहीं आपातकालीन सेवाएं कोविड सैंपलिंग कोविड वैक्सीनेशन सहित गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भली भांति जारी रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जिले में हर रोज कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में अस्पतालों की ओपीडी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी। साथ ही नए नियम के अनुसार ही मरीजों का उपचार किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में साधारण बीमारी वाले मरीज अब अपना इलाज कैसे करा सकेंगे। यदि हम जिले में कोरोना के हालातों की बात करें तो जिले में इस समय आम आदमियों सहित जिले के कई अधिकारी भी इस समय कोरोना महामारी की चपेट में हैं। इसी बीच अपर मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से अग्रिम आदेशों तक बंद कर दी हैं। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हाँ, परेशानी ये है कि आंखें मेरी सूज जाती हैं, बहुत तेज सिर में दर्द होता है और आंखें सूज जाती हैं, पूरे दिन बुखार सा आ जाता है और आंखें नहीं खुलती हैं। तो क्या कहाँ आई थी आप? यहीं पे आए दवा लेने, सरकारी हॉस्पिटल जी, यहाँ आंखों वाले डॉक्टर पे से आए हैं। फिर तो यहाँ पे देखा तो बंद है। सर, मेरे को खांसी हो रही है, थोड़ा जुकाम हो रहा था, सर दर्द है, बदन में टूटन सी मच रही है, इसलिए मैं आया दवा लेने के लिए। हॉस्पिटल बंद है और मैं करीब 10 किलोमीटर से आया हूँ। तो अब कैसे क्या करोगे? अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल खुलेगा नहीं तो घर पर जाना पड़ेगा वापस होके। किसी से बात हुई क्यों बंद है अस्पताल? कोई दिख नहीं रहा, बात किसी की आए, बंद है, सब डॉक्टर अंदर हैं। जनपद फिरोजाबाद में और पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर देखते हुए ऊपर से हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना, क्योंकि ओपीडी वगैरह में भीड़ ज़्यादा लगती है तो इमरजेंसी सेवाएं पूर्व की भांति संचालित रहेंगी और जो भी मरीज अगर किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित आएगा या जिसे इमीडिएट कोई भी हेल्प चाहिए उसको ज़रूर देखा जाएगा, पर जो रूटीन की सेवाएं खाली उनको ओपीडी में भीड़ कम करने की देखते हुए स्थगित की गई हैं। अग्रिम